महाभारत में एक प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मेरा नाम कंक है, मैं दिव्य विद्या में निपुण हूं, आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ। द्युत यानी वह खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे, कंक बनकर वही खेल वह राजा विराट को सिखाने लगे। जिस महाबली बाहुबली के लिए रसोई दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वह भीम बल्लभ का वेश धारण कर स्वयं रसोईया बन गया। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करने लगे। दासियों से घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी चरेंद्री बन गई। और वह धनुर्धर, उस युग का सबसे आकर्षक युवक, वह महाबली योद्धा, वह द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की पतंजा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन और उसका प्रतीक अर्जुन, नायकों का महानायक अर्जुन, एक नपुंसक बन गया। एक नपुंसक। उस युग में पौरुष को परिभाषित करने वाला अपना पौरुष त्याग कर, होठों पर लाली लगाकर, आंखों में काजल लगाकर एक नपुंसक ब्रह्मनला बन गया। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे, पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे, नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते रहे, भीम रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। परिवार पर एक विपदा आई तो धर्मराज अपने परिवार को बचाने हेतु कंक बन गया, पौरुष का प्रतीक एक नपुंसक बन गया, एक महाबली साधारण रसोईया बन गया। पांडवों के लिए वह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वह काल उनके लिए अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण की प्रकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। आज भी इस धरती पर अज्ञातवास में जी रहे न जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए बेवजह उसकी गाली खा रहा है, क्योंकि उसे अपनी बिटिया का फी भरना है। बेटी की ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा करता एक बाप सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है। ऐसे असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हो तो उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा कोई गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुनीम, वास्तव में कंक, बल्लभ और ब्रह्मनला है। क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता, वे सब यहां कर्म करते हैं। वे अज्ञातवास में जी रहे हैं, परंतु वे अपमान के भागी नहीं है, वे प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। वह कमजोर नहीं है, उनके हालात कमजोर है, उनका वक्त कमजोर है। याद रहे, अज्ञातवास के बाद ब्रह्मनला जब पुनः अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों का नाश कर दिया, पुनः अपना यश अपनी कृति सारे विश्व में फैला दी। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए जिसका वक्त खराब चल रहा हो उसका उपहास और अनादर ना करे, उनका सम्मान करें, उनका साथ दें। क्योंकि एक दिन संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदारी से प्रयास करने वालों का ज्ञातवास अवश्य समाप्त होता है। समय का चक्र घूमेगा और ब्रह्मनला का छमन रूप त्याग कर धनुर्धर अर्जुन इतिहास में ऐसे अमर हो जाएंगे कि पीढ़ियों तक बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे जाएंगे। इतिहास ब्रह्मनला को भूल जाएगा, इतिहास अर्जुन को याद रखेगा। हर संघर्षशील व्यक्ति में ब्रह्मनला को मत देखिए, कंक को मत देखिए, बल्लभ को मत देखिए। हर संघर्षशील व्यक्ति में धनुर्धर अर्जुन को देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर को देखिए, महाबली भीम को देखिए। उसका भरपूर सहयोग करिए, क्योंकि एक दिन हर संघर्षशील व्यक्ति का अज्ञातवास खत्म होगा। यही नियति है, यही समय का चक्र है और यही महाभारत की सीख भी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।